الحمد لله رب अगर हमें दुआए कनूत वितर में ना आती हो तो जो दुआ आती है वो पढ़ते रहो। औरत एहराम की हालत में जुराबे मोजा वो पहन सकती है, वो जूता भी पहन सकती है, हाँ जूता भी पहन सकती है। कोशिश ये करे कि हड्डी ऊपर वाली न छुपे, वरना छुप भी जाए तो जायज है उसके लिए। मर्द अगर एहराम की हालत में जुराबे और मोजे पहनेंगे उन पर दम पड़ जाएगा, क्योंकि औरत को तो बदन छुपाने का हुक्म है ना। पेशाब के कतरों की बीमारी अल्लाह शिफा अता फरमाए, हर नमाज के लिए निया वजू करें। बारह लोग तवाफ में वीडियो बनाते हैं, नहीं करना चाहिए। तवाफ जो है ये नमाज के हुक्म में है, उसमें तो गैर ज़रूरी बात करना भी नाजायज है। चे जैकेट फ़ोन लगा के और वीडियो बनाते फिरो। लोग कहते हैं जी के महशर में मैदान हशर जो है शाम में अगर है तो उसकी कोई दलील है। अच्छा, अरफात में अगर है उसकी आपके पास क्या दलील है? उसकी दलील आप मुझे दे दे तो उसकी मैं दे देता हूँ। अल्लाह के बंदे, सही हदीस में है, हजूर ने फरमाया है कि अव्वल वंतन शक्कु अनहुल कब्र, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, फिर मैं कब्र से इस तरह उठूंगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे साथ होंगे, अबू बकर उमर मेरे साथ होंगे, हा कदा नुबास यौमुल क़ियामा, उसके बाद सुम्मा आती अला बाबिल बकील गरकद, फिर मैं बाबिल बकील गरकद मदीने के कब्रिस्तान पे आऊँगा तो वो सब खड़े हो चुके होंगे हज़रत उस्मान की क़ियादत में, सुम्मा अंतदरुल अहले मक्का, फिर मैं मक्के वालों की इंतज़ार करूँगा, वो भी पहुँच जाएँगे। अजालहुम अला यमीनी व अहलुल मदीनते अला यसारी, मदीन मक्के वालों को मैं दाहिने हाथ पे रखूँगा, मदीने वालों को बाएँ हाथ पे। तो साहबा ने पूछा, हजूर क्यों फरमाया? वो मेरे मेहमान हैं, मक्के से आ रहे हैं, मेहमान का इकराम तो किया जाता है। और फिर उनको सुम्मा असूक हम इलल महशर, फिर सबको ले के मैं शाम हशर की तरफ जाऊँगा मैदान। तो साफ हदीस है, फिर कहना कोई दलील है, कोई दलील है, क्या बच्ची वाली बातें करते हो? वालिद के हाथ चूम सकते हैं जी? चूम सकते हैं, क्यों नहीं चूम सकते? बीवी का चूम सकते हो तो बाप पे चूम लिए तो क्या हो गया? क्या हाल जी, क्या है? अगर किसी ने अपनी उंगली डाली है औरत के मकाम में, गुस्ल नहीं होता।